दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम पंचायत दर्पण पोर्टल पर किस तरह से हम नल जल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो यह वीडियो दोस्तों दोनों लोगों के लिए, आम नागरिक जन के लिए भी है और अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी है। तो आम नागरिक दोस्तों, जैसा कि नगर पालिका में टैक्स भरा जाता है, उनकी वेबसाइट है ऑनलाइन बनने की, इसी तरह ग्राम पंचायत पे भी अब डेवलप हो चुकी है। तो दोस्तों इसके लिए हमें मोबाइल या जो ब्राउज़र है उसमें केवल टाइप करना पड़ेगा prd.mp.gov.in। ठीक है, आप किसी भी ब्राउज़र में ऐसा टाइप करेंगे कि आपके सामने पंचायत दर्पण पोर्टल इस तरह से आ जाएगी। इसमें दोस्तों केवल ऑनलाइन सेवाएं पर जाना है, इसका पहला ऑप्शन मैं समझा चुका हूँ। सेकेंड है नल जल कनेक्शन आवेदन। नल जल कनेक्शन किस तरह से हम लें, उसके लिए आवेदन ऑनलाइन हम कर सकते हैं घर बैठे। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे नल जल कनेक्शन आवेदन। पहले ही ऑप्शन देखेंगे दोस्तों नल जल कनेक्शन हेतु आवेदन करें। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी जानकारी भरना है आपको, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, नल जल योजना कनेक्शन हेतु आवेदन दर्ज करें, जिला पंचायत चुन लें आपकी, जो भी जिला पंचायत है वो चुन लें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जनपद चुन लें आपकी, फिर ग्राम पंचायत आपकी जो हो वो चुन लें, ग्राम चुन लें आपका। ठीक है, बसाहट देख लें आपकी वो चुन लें, वार्ड नंबर, बसाहट वही रहता है जहाँ ग्राम है वही बसाहट भी रहती है, वार्ड नंबर यहाँ भर लें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आवेदक का विवरण, आवेदक का नाम लिखना है पूरा, उसके बाद मोबाइल नंबर सही लिखना है, समग्र परिवार आईडी ये लिखना है आपको, परिवार आईडी जो 8 अंकों की होती है वो लिखना है। इसके बाद पिता या पति का नाम लिखना है, आवास का वर्तमान अनुमानित मूल्य, जहाँ आप रह रहे हैं उसका वर्तमान अनुमानित आप लगा सकते हैं कितना मूल्य है आपके घर का, मकान नंबर लिखना है, वर्तमान पता जो आपका ग्राम पंचायत का ग्राम का है वो लिख दें, आवास का निर्माण ग्राम पंचायत की अनुमति से किया गया है तो हाँ या नहीं लिखना है, यदि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। ठीक है, तो ये करना है। ग्राम पंचायत को दिए बकाया का, यदि पुराना कोई बकाया कर है तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें, नहीं है तो 0 लिख दें, नहीं तो संपत्ति कर लिख दें जितना भी है, स्वच्छता कर जो बचा है, अन्य कर, या और मेन पाइपलाइन से घर की दूरी फिट में। ठीक है, ये एक आप अप्रॉक्स डाल दें कि जहाँ तक मेन पाइपलाइन डली हुई है उससे आपके घर की दूरी कितने फिट में है, दूरी फिट में डालना है। ठीक है, वो डाल दें। उसके बाद नोट यहाँ लिखा है, उक्त आवेदन का ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण कर सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई कर आवेदक को अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ ये लिखना है, इसके बाद ये कैप्चा कोड लिखना है और आवेदन दर्ज करने पर क्लिक करना है। ये जैसे आप दर्ज करेंगे तो दोस्तों आपको आवेदन का जो है एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, आवेदन क्रमांक मिल जाएगा। इस आवेदन क्रमांक से हम अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। अब ये आवेदन दोस्तों वो चले जाएगा पंचायत दर्पण के पंचायत ग्राम पंचायत की लॉगिन पर। ठीक है, तो मैं इसको अधिकारी कर्मचारी गण के लिए बताऊंगा किस तरह से हम लॉगिन से इस आवेदन को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हम ओपन पोर्टल से आवेदन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दर्ज हो जाएगा। इसके बाद आपको नल जल पंजीयन की स्थिति देखने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आवेदन क्रमांक प्रविष्ट करने पर आ गया है। तो जब आप दर्ज करेंगे आवेदन तो यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक मिलेगा, वो यहाँ लिखना और आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो, और इसका जो कैप्चा कोड लिखकर आवेदन की स्थिति देखने पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पूरी आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी कि आपका स्वीकृत हुआ है या नहीं। ठीक है, या कोई कमी है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसके आगे की जो लॉगिन के बाद की प्रोसेस में आपको बता दूंगा। इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूरी, आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।